सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त जफरुद्दीन और आप देख रहे हैं हैदराबाद टुडे न्यूज़, पहचान सच की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर और राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग साहब की निगरानी में राजेंद्र नगर के इलाके डेयरी फार्म हकीम हिल्स में GHMC की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर सिराज साहब, सुलेमान नगर वार्ड मेंबर जनाब मोहम्मद ताहिर, एरिया प्रेसिडेंट हसन पटेल, शेख यूनुस, बाबू बंदे अली, मोहम्मद शब्बीर अहमद, मोहम्मद समी भी वहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं इसी की एक खास रिपोर्ट। राजेंद्र नगर सर्किल में ये कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। ये हर डिवीज़न में एक मोबाइल व्हीकल है और यहाँ पे पूरे डिवीज़न 5 है। एक अंतापुर है, दूसरा राजेंद्र नगर है, तीसरा शास्त्रीपुरम है, चौथा मैलारदेवपल्ली है और पांचवा अपने जलाल बाबा नगर है, सुलेमान नगर है। लिहाजा ये वैक्सीनेशन मोबाइल वैक्सीन रखने का एक मकसद है कि सब कॉलोनीज़ में 100% वैक्सीनेशन लेने के लिए रखा गया है। लिहाजा अपने तकरीबन अपने जितने भी यहाँ के राजेंद्र नगर की आवाम हैं या कोई भी मजहब के रहने वाले हो, इससे अपन यहाँ पे सब लोग जो है ना ये वैक्सीनेशन लेकर अपने मुस्तफ़ादा फरमाइए। लिहाजा क्योंकि बार बार ये रखने की वजह ये है कि क्योंकि अपने पास 100% वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस वजह ये है कि सारे तकरीबन लोग जो है इसे कई जो है ना लोग बोल रहे हैं कि बुखार आ रहा है, ये वैक्सीन लेने से बच्चे नहीं होते, ये सब गलत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से ये वैक्सीन दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट के DMHO स्वराज लक्ष्मी मैडम हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो है ना हमने हमारे दोनों डिवीज़न के जो है जो डॉक्टर सुजना मैडम हैं और DC जगन साहब है, डिप्टी कमिश्नर म्यूनसिपल ऑफिस के जगन साहब, ये सब कोऑर्डिनेशन करके यहाँ पे जो है ना अपने डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, ये सब की कोऑर्डिनेशन से यहाँ काम चल रहा है। लिहाजा यहाँ के जितने भी अपने रहने वाले हैं राजेंद्र नगर सर्किल में, अभी यहाँ पे अभी आज अकबर कॉलोनी अकबर हिल्स यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पे अच्छा अपने यूनियन लीडर से या दूसरे जो है सो लोगों का जो सोशल एक्टिविटीज़ करने वालों को बहुत अच्छा ताउन है। लिहाजा यही ऐसी जो है शऊर कंटिन्यू रखे इस प्रोग्राम को आप लोग सब कामयाब करें।